तो अवतार का सेकेंड पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर आखिरकार थिएटर में रिलीज हो चुका है। तो क्या था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैंने पहली बार कोई मूवी 3D IMAX में देखी और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा भाई शब्दों में बयां नहीं कर सकता। 3 घंटे की लेंथ इस मूवी की और 3 घंटे तक आपको ऐसे ऐसे विजुअल दिखाई गई मूवी कि आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। तो अवतार 2 जो है इसका पहला पार्ट के आगे की कहानी दिखाती है जहाँ पे इसके जो मेन कैरेक्टर है उनके बच्चे हो चुके हैं और वो काफ़ी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और उसकी कहानी जो है अवतार 1 के 13 साल के बाद की है। लेकिन इस मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो है इसके विजुअल्स और जेम्स कैमरन ने भाई कमाल कर दिया। और मूवी के स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे सीन दिख जाते हैं जिनका देख के आपको अगर भाई स्टोरी गई भारतीय में ऐसे विजुअल दिखाओ। इस चीज़ में आपको बिल्कुल निराश नहीं करती। इस मूवी का जो मेन सेलिंग पॉइंट है और वही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उस चीज़ में तो ये मूवी टॉप में है। अगर हम इसका पहला पार्ट जो 2009 में आया था उसका इससे कंपेरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देता है इसके विजुअल्स में। इनके कैरेक्टर का जो कलर दिया गया है नीला वो थोड़ा ज़्यादा डार्क दिखाई देता है और भाई इसके जो पैंट के अंदर के शॉर्ट्स हैं ना भाई देख के लगता है ना कि ये नकली है। इसका सब कुछ असली नज़र आता है। इसके विजुअल इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप स्टोरी भूल जाओगे क्या चल रहा है। सिर्फ मूवी देखते रहोगे जो चल रहा है वो चलने दोगे और यही इसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी है कि आप भूल जाते हो कि मूवी में चल क्या रहा है। हमको इसमें में एक्शन तो बहुत दिखाया गया है पर इसका अगर स्टोरी वाइज समझे थोड़ा कन्फ्यूजिंग जरूर लगता है। तो 3 घंटे की लेंथ है इस मूवी की और 3 घंटे तक 95% इसमें आपको विजुअल से दिखाए गए हैं। तो जिस चीज़ के लिए आप उस मूवी को देखने को जा रहे हो वो तो आपको भर भर के देखने को मिलेगी। एक शॉट देख के भी ऐसे लगता नहीं कि एक नकली है पूरा असली माल नज़र आता है। भाई जेम्स कैमरन ने 13 साल लिया है इस मूवी को बनाने के लिए वो ऐसे ही नहीं लिए। तो अगर आपने मूवी देख ली होगी तो आपको कैसे